साकार करें सपने अपने। पहला सवाल, क्या नौकरी को पाने में परेशानी हो रही है या नौकरी पाना चाहते हैं? तो सूर्य को नियमित रेगुलरली जल देने से सूर्य का प्रभाव शरीर पर बढ़ता है, पॉजिटिव बढ़ाव बढ़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ता है और ये आपके आपको बहुत एनर्जेटिक बनाता है, साथ ही साथ आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस पैदा करता है। अब सूर्य से जुड़ा हुआ दूसरा महा उपाय जानने का वक्त आ गया है। क्या मन चाही मुराद पूरी करना चाहते हैं? सूर्य देवता को जल चढ़ाने के साथ ही आरती उतारें, प्रसाद चढ़ाएं, सूर्य देव की पूजा करें, ये बहुत फलदायी होता है। सूर्य देव को 5 देवों में से प्रमुख देवता माना जाता है। सूर्य की उपासना ज्ञान, सुख, सेहत, पद, सफलता देती है। रोज पूजा करने से आस्था और विश्वास पैदा होता है। अब जानते हैं सूर्य से जुड़ा हुआ आज का तीसरा महा उपाय। क्या ताकतवर बनना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं? रविवार को सूर्य की पूजा और मंत्र जाप से आदमी निडर बलवान बनता है। सुबह स्नान के बाद वस्त्र पहनकर सूर्य देव को नमस्कार करें। तांबे के बर्तन में ताजा पानी भरें। सूर्य देव को लाल चंदन का लेप, कुमकुम, चमेली और कनेरी के फूल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य ग्रहण के मौके पर सूर्य से जुड़े चौथे महा उपाय को जानिए। क्या जीवन में सुख ही सुख चाहते हैं? तो संडे को बरगद के पेड़ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में आप रख सकते हैं, फोटो को भी रख सकते हैं। रविवार को धन संबंधित कार्य ना करें, नहीं तो पावर्टी आएगी। संडे को सूर्यदेव पर जल चढ़ाएं। रविवार को गरीब की मदद जरूर करें। आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें। अब सूर्यदेव का आखिरी और पांचवा महा उपाय जान लीजिए। क्या समाज में मान सम्मान चाहते हैं? रोज सच्चे दिल से सूर्य देवता की पूजा करें, सूर्य को अर्घ दें, मंत्रों का जाप करें। सूर्य मान सम्मान का कारक ग्रह है, मान सम्मान पाने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। साकार करें सपने अपने।